ओके, यस सर, सर। स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग गुड सर माहौल बता शानदार आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही है सर आपकी आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सर आपको। गुड। आइए बच्चों, सर हम पढ़ रहे क्या सप्लाई। क्या पढ़ रहे सर सप्लाई। सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन ए अभी हमने पढ़ा शेड्यूल नंबर टू ठीक है सर ओके आइए अब एक दो सर्कुलर से सर रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो भी हम देख लेते हैं बेटा सर ये रहा शेड्यूल टू हमने पढ़ लिया बच्चों मजा आया नहीं आया आए। ठीक है आइए सबसे पहला क्लेरिफिकेशन पढ़ते हैं क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इश्यू रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी एक होता है पगड़ी सिस्टम बेटा है ना राइट्स। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या होता है बच्चों <coughs> ध्यान देना अच्छा आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं सर आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल है मालिक कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली इज सप्लाई ऑफ सर्विस ठीक है सर सर क्या होता है वैसे तो महाराष्ट्र में और कई सारे स्टेट में अब जो मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूं उसको भी इलीगल कर दिया है डिक्लेयर और वो अलाउड नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कई बार ग्यारह महीने के एग्रीमेंट होते बेटा है ना वो कारण भी यही है ये बेटा और अपने को तो ट्रांजेक्शन सीखना है बेटा ठीक है सर मान लो गुड बेटा सर क्या नाम वेदांत भाई इनकी एक शॉप एक दुकान है बेटा जो मैंने रेंट पे ली बेटा जो मैंने रेंट पे लिए इज द प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड बेटा अरे हाँ है ना भाई मैं कौन हूं टेनेंट अब सर वो प्रॉपर्टीज़ मैंने रेंट पे ली थी वो पंद्रह साल हो गए सर मेरे पास रेंट पे मैं और पगड़ी सिस्टम पे ली थी बेटा इससे मैंने पगड़ी सिस्टम में क्या होता है एक अमाउंट लम्स में इसको पे कर देता हूँ पहले ही बेटा क्लियर पर क्या मैंने इसे प्रॉपर्टी परचेज करी क्या बेटा प्रॉपर्टी परचेज करी क्या तो भले वो वन टाइम में रेंट पे करूँ या सर पे के लिए फर्क पड़ता है क्या बेटा? नहीं इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर जीएसटी लगेगा कोई डाउट नहीं सर बेटा है हाँ ना भाई ओके अब क्या हो गया बेटा साल पूरे हो गए बेटा ये बोलता मंगल दुकान खाली कर इसके बच्चे आगे काम करेंगे बेटा पे नहीं करेंगे क्या कौन तेरे बच्चे है ना बेटा क्लियर? <laughs> सर सुनना बात से तो मालिक इसने बोलता है दुकान खाली कर मैंने कहा पंद्रह सर पंद्रह साल हो गए काम करते करते दुकान खाली करवा नहीं एक करोड़ रुपए दे कितना बेटा वन सी आर इसको बोलते टीन प्रीमियम किस चीज के दुकान खाली करने के किससे ले रहा है मैं जिसकी दुकान है उससे बेटा कौन ले रहा है आउट गोइंग टेनेंट हाँ है ना भाई ये बोलता किस बात के भाई मैंने कहा है भाई इस दुकान पे इतनी मेहनत करी है इतने कस्टमर यहाँ आते हैं कि अब कल को यहाँ पे बोर्ड नहीं भी हो ना, तो बिना दुकान का नाम देखे लोग अंदर घुसेंगे होता ना आप भी जो आपकी दुकानें फिक्स होती होगी बेटा शॉपिंग करनी है यहाँ जाना है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर उस दुकान की वैल्यू इतनी बन गई है इस दुकान की वैल्यू मैंने इतनी बना दी इस एरिया की इस जगह की वैल्यू मैंने इतनी बना दी है कि कल को आउटगोइंग तो टेडेंट कौन चार्ज कर रहा है बेटा हा है ना भाई क्लियर ये वन करोड़ बताओ क्या मैं इसको दुकान बेच रहा हूं क्या बेटा मैं इसको दुकान बेच रहा हूँ बेटा क्लियर तो ट्रेन इज सप्लाई ऑफ सर्विस और इस इसमें इस क्या लगेगा बेटा जीएसटी हाँ ना भाई कोई डाउट इसमें बेटा अभी जो वन करोड़ होता है ना बेटा इस पर स्टैंप ड्यूटी भी लगता है रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है सर जीएसटी डिपार्टमेंट बोला स्टैंप ड्यूटी पे करो रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करो या किसी भी कानून में कोई भी टैक्स पे करो वी डोंट केयर यार सप्लाई ऑफ सर्विस से जीएसटी लगेगा कोई और टैक्स लगे ना लगे वी डोंट केयर ना मालिक ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और, और जीएसटी लगेगा कोई खास बात इसमें ओके अब? Okay. अब आगे और बढ़ता बेटा ट्रांजेक्शन अब ये वेदांत भाई जो लैंडलॉर्ड थे जो ऑनर थे अगर मैंने वन सीयर इनसे लिया जीएसटी लग जाएगा बेटा अब सर ये भी कोई कम नहीं है अब कोई नया टेनेंट आ रहा है बेटा इनकमिंग टेनेंट क्लियर इनकमिंग टेनेंट मान लो हमारे कृष्णा भाई क्लियर अब कृष्णा भाई आ रहे उसको दुकान देगा बेटा ये ये बोलता है भाई तेरे को अगर दुकान रेंट पे चाहिए तो रेंट तो देना है वो देना ही देना है एक करोड़ तेरे को टेनेंसी प्रीमियम देना पड़ेगा क्यों इस दुकान का वैल्यू क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी हा है ना इस दुकान का ऑलरेडी वैल्यू क्रिएट किया हुआ है और वैल्यू क्रिएट करने की वजह से कस्टमर अपने आप आएंगे तेरे पास हा है ना तो इनकमिंग टेनेंट से नाउ लैंडलॉर्ड ओनर इज चार्जिंग द टेनेंसी प्रीमियम कितना बेटा वन सीआर अगेन ये क्या है बेटा क्या प्रॉपर्टी बेची क्या बेटा क्या प्रॉपर्टी बेची है क्या बेटा? नहीं, तो अच्छा, क्लियर? इट और नया टेनेंट ये आ रहा है बेटा ठीक है ये बोलता है मेरे को वेदांत क्या तू तो डायरेक्ट इनकमिंग टेनेंट से पैसा ले रहे है, मेरे से मतलब कोई दिक्कत नहीं सर मैंने डायरेक्ट

रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करो कुछ भी पे करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पे क्या लगेगा बच्चे जीएसटी लगेगा इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस भले ही आप ओनर से चार्ज कर रहे हो भले ही आप इनकमिंग टेनेंट से चार्ज कर रहे हो या भले ही या भले लैंडलॉर्ड ओनर जो है वो इनकमिंग टेनेंट से चार्ज कर रहा है कोई भी चार्ज सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और जीएसटी लगेगा कोई खास बात आवाज नहीं आ रही हुई चलिए बस एक बात को ध्यान रखना ये सप्लाई ऑफ सर्विस पॉइंट खत्म हो गया बेटा अब मैं एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं बेटा मैं आपको ये क्या बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपने घर घर क्या बेटा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर रेंट पे लिया है किस पे लिया बेटा किसने लिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्लियर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया किसके लिए बेटा फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज किसके लिए लिया बेटा रहने के लिए तो घर किराये पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी क्या है उसपे है क्या है बेटा उस पर देखो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है सप्लाई ऑफ सर्विस तो है घर किराए पे लिया है पर उस पर जीएसटी एग्जाम किया क्यों पता है घर किराए पे कौन लेता है बेटा जिसके पास खुद का घर नहीं बेटा जिसके पास खुद का घर गर नहीं गरीब आदमी साहब एक तो रेंट पे कर रहा है और उस पर अठारह परसेंट जीएसटी और पे कर रहा है कहा का इंसाफ रोटी कपड़ा मकान हा ना भाई बेसिक नीड्स ऑफ दर्सन इसलिए घर किराए पर लिया रहने के लिए

और वो टेनेंसी प्रीमियम कौन चार्ज कर रहा है लैंडलोड कौन चार्ज कर रहा है बेटा इफ ओनर या लैंडलोड इज चार्जिंग टेनेंसी प्रीमियम कौन सा वाला इस वाले केस में बेटा क्लियर तो सिंस घर किराए पे देने पर जीएसटी एग्जिमट है बेटा घर किराए पे देने पे जीएसटी है तो टेनेंसी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा एग्ज हो जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा हाँ है ना भाई पर किसने चार्ज किया तो बेटा लैंडलॉर्ड या ऑनर ने चार्ज किया है फ्रॉम द इनकमिंग टेनेंट तो जीएसटी है अदरवाइज आउटगोइंग टेनेंट नगर अगर इनकमिंग टेनेंट से चार्ज किया तो जीएसटी लग जाएगा लिख दो बेटा यहां पर बट इफ आउटगोइंग टेनेंट इज चार्जिंग फ्रॉम इनकमिंग टेट तो जीएसटी लगेगा फुल स्टॉप ओके बच्चों क्लियर कोई भी पे करे कोई भी पे करे किसी को भी पे कर रहे भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो हमेशा वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी लगता है केवल एक केस में जीएसटी कब जब

चल सर सुनना ए, 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 होशारी मान लो आपने कोई मशीन रेंट पे ली लीज पे ली बताओ सप्लाई गुड की सप्लाई सर्विस है बेटा। आवाज रही हो यही मशीन अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से रेंट पे ली होती बेटा ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी था उसने मशीन आपको इंडिया में रेंट पे दी बेटा लीज पे दी वो क्या होगा वो भी सप्लाई सर्विस हा है ना क्या परमानेंट मंगाई क्या तो क्या होता ओफ, सर्विस होगा, इस पे कस्टम नहीं लगता है बेटा कोई कस्टम ड्यूटी केवल क्या लगेगा बेटा जीएसटी लगेगा एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे बच्चा इसमें हा है ना मालिक कोई डाउट मेरे को भी नहीं सर चलिए ये आ गया दो सर्कुलर आपके खत्म जो आपके सिलेबस में आते हैं बच्चों ठीक है मालिक डन सर आइए हम क्या पढ़ रहे बेटा पता है पता है चल क्या रहा है हिंदुस्तान में बेटा सप्लाई क्या चल रहा है भाई सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन तीन दिन से क्या चल रहा है बेटा सप्लाई दो दिन से हाँ है ना भाई सप्लाई समझ में आ रहा है कितना जोरदार पॉइंट है ये ठीक है सर क्योंकि सब कुछ पूरा जीएसटी आधा डिपेंडेंट नहीं किस पे बेटा सप्लाई तो सर द टर्म सप्लाई डिफाइंड सेक्शन नंबर सेवन सेवन ने बताया कि सप्लाई सेवन वन ने बताया सप्लाई इंक्लूड्स ए ए डबल बी और सी सेवन वन ए ने बताया क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा आइए सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन टू की बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन टू बोलता है दिमाग खरामत करना मंगल क्या बोलता है बेटा hmm. दिमाग खरा मत करना मंगल फॉलोइंग आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस उसमें दो क्लोज है क्लोस और क्लोज नंबर बी ओशारी क्या बोलता है बेटा ये की फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस इनपे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं क्या बोला बेटा इनको कोई जीएसटी लगेगा अब अब ही नहीं इट पढ़ा ये सप्लाई है रेफर करें शेड्यूल नंबर थ्री क्या रेफर करे बेटा शेड्यूल नंबर थ्री वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए है जहां इनको बोल दिया क्या इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा जिसको प्यार से मोहब्बत से हम नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं बेटा कॉमन सेंस में बेटा बुक्स में के लिखा नहीं बेटा मतलब लॉ में के लिखा नहीं बेटा है ना नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज मतलब जिन पे जीएसटी नहीं लगता आइए हम देख लेते शेड्यूल नंबर थ्री उसका उसमें एक्चुअली आठ पेराज सर उसमें आपके सिलेबस में आते हैं मत कर रहे बेटा सिक्स उसमें फर्स्ट पॉइंट सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन दर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा आपकी जिस रेफरेंस के लिए मैंने शेड्यूल थ्री ओपन किया मत पढ़िए बेटा ध्यान मेरी तरफ आपको मैं यहां याद करके भेजूंगा गारंटी ऊपर याद करूंगा नहीं बेटा याद हो जाएगा

सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसन एम्प्लॉ फॉर दॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट अब यह बात को ध्यान दीजिएगा बेटा इन दी कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट मालिक मालिक एम्प्लॉ है ना सर एम्प्लॉ एम्प्लयर तो के लिए काम कर रहा है इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट्लाई के अलावा कुछ और सर्विस दी जो मेरे कॉन्ट्रेक्ट में नहीं आती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्ट नहीं आती मैंने, salary, कुछ और फीस उसे चार्ज करी बेटा <coughs> वो सप्लाई के स्कोप में आएगी उस पर जीएसटी लगेगा एग्जाम्पल दू मैं छोटा सा बेटा आपको मान लो मेरे एम्प्लॉयर को कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी केपी कोरेगाओ पार्क में और वो परचेज उनको कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था अपने बहुत कांटेक्ट है साथ मैंने कहा प्रॉपर्टी डील में करा दूंगा आपका पर एक करोड़ पे कमीशन लगेगा प्रॉपर्टी सौ करोड़ की थी डन क्लियर तो जो मेरे को सैलरी दे रहे हो तो अलग चीज है बेटा ये मेरा एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं था मेरे को ब्रोकरेज दे रहा है मेरे को कमीशन दे रहा है मेरे को फीस दे रहा है वो अलग से अपार्ट फ्रॉम माय एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट इन रिलेशन टू माय एम्प्लॉयमेंट मेरे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड वो काम नहीं था दूसरा काम काम था काम था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसके लिए फीस मैंने चार्ज करी दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर जीएसटी लगेगा पर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होता तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता उस उसपे कोई जीएसटी नहीं लगता यहां तक बात समझे क्या अरे क्लियर एक और एग्जाम्पल दू बेटा मैं आपको अभी दो तीन एग्जाम्पल और चलेंगे बेटा आपके मस्ताले मान लो अच्छा एग्जाम्पल दो बेटा मैं आपको चलिए सर, क्या नाम? पार्थ वेदांत आविष्कार। सर, पार्थ, वेदांत और आविष्कार मान लो, तो लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो बेटा सर तो वेदांत एंड आविष्कार किसी कंपनी के डायरेक्टर है बेटा ध्यान से सुनना बात को अच्छा एग्जाम्पल के मजे लो पर प्रोविजन मस्त समझ में आना चाहिए अपना पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं होता है पढ़ाई हम हंस के पढ़ते हैं पर पढ़ते जरूर है बस मेन टारगेट अपना पढ़ाई है सर सरकार ये किसी कंपनी के एम्प्लोई है और किसी कंपनी के डायरेक्टर है सर सुनना अब कंपनी जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है इनको डायरेक्टर रेम्यूनेशन पे करती है सिटिंग फीस पे करती है बेटा होता है ना सर तो दैट फीस इज पेड इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जिसपे प्रोफेशनल फी का टीडीएस कटता है हा है ना भाई क्लियर तो सर 194 नाइंटी फोर जी क्लियर तो ऐसे केस में ये सर्विसेस दे रहे किसको कंपनी को क्या है कंपनी के एम्प्लॉई है क्या बेटा

वेदांत भाई जो है ये होल है ये होल टाइम डायरेक्टर बेटा कंपनी के डे टू डे जो रूटीन काम होते वो सब भी देखते बेटा उसकी वजह से इनको सैलरी भी मिलता है बेटा तो जो सैलरी मिल रहा है क्या इन दी कैपेसिटी डायरेक्टर मिल रहा है सैलरी ओके 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 सुनिएगा ध्यान से ओके <coughs> ओके <Okay, okay>. सर वो <coughs> बैटरी चेंज हो गई बैटरी चेंज हो गई मैं कह रहा हूं बेटा ध्यान देन देना बेटा मालिक आप किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो अब आपको डे टू डे रूटीन काम जो आप कर रहे हो सर उसके लिए सैलरी मिल रहा है क्या मिला बेटा तो जो सैलरी मिल रहा है सर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिल रहा है नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर बताओ उस पर जीएसटी लगेगा क्या बच्चे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर उसपे वन नाइनटी फोर जे का डी डी एस नहीं कटता है कौन सा है सैलरी पे वन नाइनटी टू वेरी गुड बेटा हा ना भाई उस अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि that is paid in the capacity of employee. पर यही उसी को सर board of director की meeting करने के लिए सेटिंग फीस पे किया होता तो that is in the capacity of director. तो उस वाले पर जिस का TDS करता है सर वो प्रोफेशनल फी जो जीएसटी लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैके सर क्लियर अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं बेटा वो तो कभी एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते बेटा ठीक है वो कभी एम्प्लॉय नहीं होते तो उनको जो फीस मिला वो तो हमेशा प्रोफेशनल फी ही मिला है दे कैन नेवर बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऐसे केस में के हमेशा जीएसटी लगेगा और आरसे में रिवर्स चार्ज में मक्रेपेंट लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा क्लियर कौन लाइबल होगा रेसीपेंट विल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली हा है ना भाई अरे क्लियर पक्का गुड तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी अगर कोई एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो स्कोप में नहीं आएगा में, थे बेटा, अब आप छोड़ रहे हो उसने नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट आपसे किया बोला साल का एक करोड़ दूंगा पर ये सॉफ्टवेयर के फॉर्मुला किसी और को बताना मत बच्चो तो दैट इज नॉट पेड इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय है ना भाई क्लियर दैट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो यस सर ये डायरेक्टर वाला एग्जाम्पल नॉन कॉम्पिट फीस रिवर्स चार्ज सब मिल जाएगा आपको बेटा आप पढ़ के तो एक बार ऐसा ना भाई अरे क्लियर डन समझ में आया बेटा पॉइंट ओके 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 ये डायरेक्टर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना बेटा ये सर्कुलर भी दे पे डायरेक्टरेशन बेटा हाँ ना भाई ये वन नाइनटी फोर जे टी डी एस वन नाइनटी टू का टीडीएस मिला बेटा आपको क्लियर ये सब मिलेंगे बेटा आप सुनो अच्छे से याद नहीं करना है यार याद हो जाना चाहिए अपने आप आपको लगना चाहिए हाँ ये भी आता है ये भी आता है तो ओके okay, नॉवल की तरह पढ़ना है बेटा मगब नहीं करना है आपको ओके okay, जब चीजों को पढ़ते हो तो आपको लगना चाहिए आपका दिमाग सोल्व कर रहा है इनको याद नहीं कर रहा है ठीक है क्लियर आप प्रोविजंस को समझो प्रोविजंस को याद करो पर सर उसकी एग्जाम्पल्स को तो भी याद नहीं करने का उसको तो सॉल्व करने का हमेशा यार ओके okay, बच्चों चलिए सरकार पैरा नंबर टू पैरा नंबर टू कोई भी कोर्ट में आपको अगर कर अपील करनी होती है कोई भी शिकायत करनी होती है उसके लिए फीस पे करना होता है बेटा कोर्ट फी एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं हाई कोर्ट भी आता है सुप्रीम कोर्ट भी आता है क्लियर सारे कोर्ट्स आते हैं इनको जो भी फीस पे, पे सप्लाई नहीं होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर कोई भी कोर्ट में अगर आपको अपील करनी होती ना बेटा तो आपको एक कोर्ट फी पे करना पड़ता है एक और बात कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना आपने बेटा कभी कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना क्या आपने बेटा कभी एक्चुअली टेक्निकली वो कंज्यूमर कोर्ट नहीं है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं उसको बेटा बेटा क्या बोलते कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अब वहां पर भी अगर आपको किसी की शिकायत करनी हो कंज्यूमर कोर्ट में बेटा तो फीस पे करना पड़ता है तो एक सवाल आया कि उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो कोर्ट तो है नहीं बेटा क्लियर इसलिए डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया सर्कुलर इश्यू करके बोला कि सर जो कंज्यूमर कोर्ट है जिसको कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोला जाता है वो एक्चुअली जो काम करता है वो कोर्ट की तरह ही काम करता है यार उसकी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज सारी एक्टिविटीज जो उसकी उसके जो पावर है वो सब एक कोर्ट की तरह ही पावर दिया होता है उसको उसकी जिम्मेदारी सारी कोर्ट की तरह ही होती है इसलिए जो भी फीस उसको पे कर रहे वो कोर्ट फीस की तरह ही माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा ये सर्कुलर मैंने यहां दे रखा है आई होप समझ में आया बेटा आपको अरे yes no? ये ये रहा समय डिस्प्यूट कमीशन वाला बेटा क्लियर समझे मेरी बात इन पे जीएसटी नहीं लगता ओके चलिए एक दो बातें और बेटा बता दू क्या मैं आपको बेटा चलो एक ये एम्प्लॉय वाली बात और है तुम्हें बताता बेटा मैं भाई पता है आपको कोई डाउट कोई कोई आइडिया कोई आइडिया नहीं बेटा आपको बताऊं मैं आपको बेटा ओके okay. सर <coughs> मान लो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉ हो बेटा मान लिया आपको क्या मिलता बेटा सैलरी उस पर कोई जीएसटी नहीं है. पर अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी एम्प्ल को एम्प्लॉयर कुछ फैसिलिटीज भी देता है बेटा परक्विजिट्स। wow. Pugs, आपने सुना भी हो भी होगा होगा पढ़ा शायद यार जैसे कार हो गई इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया क्लियर कई सारे परक्विजिट्स कई सारे बेनिफिट्स दिए थे क्या मूवेबल अट्स क्लियर या इस तरह की कई सारी चीजें कई सारी सर्विसेज सर अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी आपको पे की जाती है क्यों की जाती है बेटा पे वो ताकि आप अच्छे से काम करें बेटा आप उस कंपनी के एम्प्लॉय और अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करते रहो इसलिए तो दिया जाता तो है बच्चा तो अ काइंड ऑफ सैलरी हो गया ना बेटा यार ये अ काइंड ऑफ सैलरी तो है यार ये सब आवाज नहीं आ रही तो आप मुझे बताओ क्या परक्विजिट्स की वैल्यू पे जीएसटी लगना चाहिए क्या बेटा

सर पता है सबसे बड़ी तकलीफ हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है बेटा कि जब बच्चे पढ़ते ना बेटा उनको ये फील होता है कि हमको कुछ भी नहीं आता है बुक में लिखा सब उसको आता है बुक को सब आता है हम तो पागल है गलत आपको सब आ सकता है अगर आप सोचे तो बेटा और उसको वेरीफाई करने के लिए बुक होनी चाहिए बेटा जो मैं करता हूं क्लियर सर आप ध्यान ना आप जो इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो सर आप उन सिलेक्टेड बच्चों में से हो जो यहां तक पहुंच पाए हो बेटा मतलब कुछ तो है यार हा है ना सर मैं तो ये मानता हूं ऑल आर इंटेलिजेंट आपके सामने अगर मैंने प्रोविजन एक बार समझा के रख दिया आपके सामने फिर आपके सामने अगर मैं कोई केस रखू और आप उस लो को अगर अच्छे समझ गए मेरे में ताकत होनी चाहिए लो समझा पाऊं आपको बेटा अगर मेरे में ताकत है मैंने आपको लोग अगर समझा दिया है फिर आपके सामने कोई प्रैक्टिकल केस रखू तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट केस वो अगर आपने कर दिया तो मेरी गारंटी बुक में वही लिखा होगा बेटा क्लियर समझे मेरी बात हाँ जहां कुछ गलती होगी वहां मैं खड़ा हूं बेटा आपके लिए पर पॉइंट क्या है बच्चों आप अपने दिल और दिमाग को यूज करना है आपको बेटा हम क्या करते हैं नॉर्मली बुक पर जब पढ़ने बैठते कोई भी पढ़ाई वाली बुक तो हमको लगता है ये तो कुछ भी नहीं, नहीं आता इसको तो जो आता है बुक को आता है जो बुक में लिखा है याद कर लो बेटा नहीं यार ये नहीं होना चाहिए ठीक है आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा पहले समझ में आना चाहिए सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट कौन लोग इसने बनाए लॉजिकल है क्या यार लॉजिकल है ना यार तो मैं वही करता हूं बेटा मैं लॉजिक आपके दिल तक पहुंचा देता हूँ फिर आपका दिल कहता सर ये होना चाहिए वही लिखा होता बुक के अंदर क्लियर इनफैक्ट आप अगर लॉजिक के साथ पढ़ते हो क्या लिखा है केवल ये नहीं पढ़ते वो क्यों लिखा है ये अगर समझ लेते हो तो देखना क्या लिखा है वो अपने आप समझ में आता है टाइम भी बहुत कम लगता है यार टाइम भी बहुत कम लगता है क्लियर कोई डॉक्टर है उस वो बीमारी को ढूंढ ही नहीं पा रहा है उसको तीन घंटे लग रहे है बीमारी को ढूंढने में ऑपरेशन करने में और दूसरा डॉक्टर दस मिनट में इलाज करके ऑपरेशन करके बाहर निकल गया अच्छा कौन है दस मिनट वाला ना बेटा यार आप ये थोड़ी तो, तो, तो मामला गड़बड़ अरे भाई ज्यादा अच्छा है एक्सपर्ट आते सर उसको पता है कैसे बात को समझाना है दिल में कैसे पहुंचाना है बात को क्लियर चीज को समझिए बेटा आपको दिमाग में दिल में फॉर्मूला बैठ जाना चाहिए क्या हो क्या रहा है ये क्लियर सोल्यूशन अपने आप आने चाहिए

आप अगर एम्प्लॉय नहीं होते तो परक्विजिट नहीं मिलता बेटा वो आपको इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो इसलिए मिल रहा है of, uh, uh, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा आई होप यू गोट द्वारा हा है ना भाई माहौल सरकार आइए नंबर थ्री मालिक अच्छा यार एक चीज बताओ एक मसला पॉइंट आपसे बेटा है देश के नेता लोग कोई एमपी एमएलए कोई पार्षद मेंबर ऑफ म्यूनिसपालिटी बेटा हा है ना भाई ये क्या देश के एम्प्लॉय है क्या बेटा क्या सरकारी एम्प्लॉय है क्या आप समझना बात की ध्यान से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे एरिया से कोई एमएलए है साहब क्या वो सरकार का एम्प्लॉय है सर समझना पाती धन से क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सर कौन है वो नहीं नहीं हमने इलेक्ट किया भाई हमने इलेक्ट किया हमने सरकार बताइए आप यू ब्लाइंडली किसी को भी चोर नहीं कह सकते क्लियर नहीं नहीं हाँ हो सकता कुछ लोग हो पर कुछ की वजह से सब नहीं सर ठीक है ऐसा बोलने से थोड़ा इनको अच्छा लगेगा सर सर, सर सुनना बात ध्यान से हाँ जी देश के नेता लोग कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉ है सर पीयूष गोयल जी मुंबई से हमारे सर सांसद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताओ क्या वो सरकारी एम्प्लॉय है पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर यस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यार उनको जो सैलरी मिल रहा है इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी क्योंकि नीदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस अभी हमने पढ़ा बेटा पर सर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जैसे श्री पीयूष गोयल जी हाँ ना भाई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बेटा इनको भी पता है एक मंथली ऑनर मिलता है बेटा जिसको कॉमन सेंस में हम सब लोग क्या मानते हैं बेटा हम सब क्या बोलते हैं सैलरी बोलते हैं बेटा बट दैट इज नॉट एक्चुअली सैलरी यार पुलिस कमिश्नर को जो मिल रहा है दैट इज एक्चुअली सैलरी

एम पी एम एल ए मेंबर ऑफ ये म्यूनिस्पालिटी वगैरह बेटा हाँ है ना सर लोकल बॉडी के मेंबर्स पार्षद वगैरह बच्चा, ये सब तो आगे पॉइंट नंबर ए में ही बेटा इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसने बेटा भारतीय संविधान ने कोई बॉडी बनाई है उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है एज ए डायरेक्टर एज ए मेंबर एज ए चेयरमैन और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेमिनेशन मिलता है तो इट इज नीतर सप्लाई ऑफ़ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा बेटा है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जाम्पल क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार आयोग वुमेन राइट्स कमीशन है ना

सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई हो, हो, हो हाँ है बेटा ना पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई है जिसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर एज ए चेयरमैन एज ए प्रेसिडेंट आप सर द सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो रीजनल काउंसिल मेंबर हो द द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट हो बेटा है ना उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेमुनरेशन मिलता है तो इट इज नीधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना भाई एग्जाम्पल दू बेटा एक और जैसे सी अर्पित काबरा ये भी थोड़ा टाइम पहले अपने डब्ल्यू आर सी के चेयरमैन थे मेरे फ्रेंड है सर ये सुनो ध्यान से अर्पित काबरा डब्ल्यू आर सी चेयरमैन किसी कंपनी का ऑडिट किया बेटा उसको ऑडिट फीस मिल रहा है तो क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्या लगेगा ना क्लियर हो तो उस पोस्ट की वजह से जो फीस मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है बेटा ऐसा थोड़ा कि अर्पित कावरा जीएसटी एग्जिम टोगे बेटा तेरे पे हाँ है ना भाई उस पोस्ट की वजह से इन नेता लोगों को जो फीस मिल रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा हाँ है ना मालिक क्लियर आइए पेरा नंबर फोर अंतिम सेवा आपने किसी को भेज दिया तो भेजने की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा सर क्योंकि जाने वाले से कौन जीएसटी ले सकता है हाँ है ना क्लियर सरकार आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई बेटा किस बात का जीएसटी बेटा सरकार सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी उन्होंने कोई चार्जेस लिए बेटा ब्यूरियल करने के कोई चार्जेस लिए बेटा मॉर्चरी सर्विसेज क्लियर उसके चार्जेस लिए उन चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा यहां तक बात समझे क्या बच्चे अच्छा इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिस एम्बुलेंस अच्छा आप मुझे एम्बुलेंस मरने से पहले काम कहां थी ये बाद में काम आती है बेटा दोनों टाइम बेटा हा है ना क्लियर तो सर ध्यान देना बेटा ये बात करा किसकी डिसीज की, की. <coughs> बात अली बेटा बात इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी डिस अरे क्लियर समझ मेरी बात अच्छा जरूरी नहीं एम्बुलेंस हो बेटा कई बार अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज उसके लिए जो भी चार्जेस पे उस उसमें जीएसटी नहीं लगेगा ओके okay बच्चों अच्छा जस्ट नॉलेज के अभी अभी पॉइंट मेरा ये नहीं है पर एम्बुलेंस हा है ना सर एम्बुलेंस में अगर किसी पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया है होता ना एम्बुलेंस बेटा अरे कभी देखी कि नहीं देखी बेटा भगवान करे आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़े डायरेक्ट बेटा क्लियर है सर सर सुन, अरे यार अच्छी बात है यार सर सुनना बात ध्यान से क्या बेटा क्या सेम टू यू हाँ बेटा बिल्कुल 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 हाँ, खत्म तो बेटा अपना सर है ना बेटा गुड बेटा वेरी गुड बेटा ऐसा भी लग रहा है बाद में लगे पता पड़ेगा सर मान लो मान अरे मतलब मेरे कहने डायरेक्ट तो मतलब तो आप अमर हो जाओ बेटा मैं तो ये कहना चाहता था वही आपने बोला ना सेम टू यू बेटा थैंक यू सर ओके ओके मान लो कि क्या है? आपको पे नहीं, नहीं है क्लियर इसलिए ध्यान बेटा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दोनों केस में जीएसटी बेटा एम्बुलेंस है आप आराम से ट्रांसपोर्ट करें कोई दिक्कत नहीं बेटा अच्छा ओला उबर पे ओला उबर पे जीएसटी लगता है बेटा पढ़ा हमने बेटा क्लियर एम्बुलेंस में जीएसटी नहीं लगता है यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बेटा सर 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 तक बात ओके 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 आइए तो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियलोटोरियम और मोर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन दी दिस इज नो जीएसटी इज चार्ज बेटा यस या नो आइए बच्चों पैरा नंबर फाइव एक मिनट अब पैरा नंबर फाइव पढ़ने से पहले पैरा नंबर

सर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो जीएसटी नहीं लगेगा पर जीएसटी नहीं लगता डायरेक्टर को डायरेक्टर की कैपेसिटी में पैसा मिल रहा तो जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेगा एम्प्लॉय की कैपेसिटी मिला तो जीएसटी नहीं लगेगा हा है ना भाई

यार हम क्या पढ़ रहे भाई आवाज रही सबकी जीएसटी फुल फॉर्म क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स क्या होता है रे सर्विसेज क्या होता है रे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ध्यान है सर हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं अब तक गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी भाई कैसी बात है हम पहले वो पढ़ेंगे सर क्लियर पेंडिंग लिखवा था याद है तो आपको सर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन मैंने पेंडिंग लिखवाया था सर पी लिखवाया था मैंने मैंने कहा बोला था वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता आज वो वक्त भी आ गया और किस्मत के दरवाजे भी खुल रहे बेटा हाँ बेटा ओला उबर पे जीएस लगता है हाँ बेटा, बेटा बोला क्या ओला और उबर ने हाँ तो एम्बुलेंस सर्विसेज अगर ओला उबर के थ्रू है तो है तो एम्बुलेंस सर्विस बच्चा ठीक है भले आपने प्रोवाइड करी थ्रू ईसीओ पर एंबुलेंस सर्विस पे जीएसटी है, है ना आगे पढ़ेंगे हम ओके यस कई सारे हॉस्पिटल होते हैं कई सारी प्राइवेट ट्रस्ट होती है बेटा कई सारी प्राइवेट पार्टीज की भी होते हैं बेटा एंबुलेंस सर्विसेज सब पे जीएसटी एक्सम बेटा ठीक है सर आइए पर दैट शुड भी एक्चुअली एम्बुलेंस बेटा है ना है ना एक्चुअली एम्बुलेंस सर्विस वैसे तो मैंने नहीं देखा अब तक की ओला उबर एम्बुलेंस के थ्रू भी आ, अगर अगर हो जाए तो एग्जम रहेगा मैंने ही बोला बेटा ओके okay? चलिए 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 गुड्स और सर्विसेज ओ मालिक डेफिनेशन ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर टू क्लोज फिफ्टी टू सेक्शन नंबर टू क्लोज फिफ्टी टू ऑफ दी सी जी एस एक्ट ने डिफाइन किया किसको गुड्स को गुड्स मीन्स गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी

पता है आज तक आपने जीवन में कभी भी अगर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है गुड्स एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स ये जीएसटी लिखा है थोड़ी देर बाद अभी नहीं कर रहा वक्त और किस्मत बेटा तब आएगी बात इसकी हाँ गुड्स इंक्लूड्स ये तो आप फाउंडेशन भी पढ़ा हो बेटा आपने बेटा, आपने खेत, खेत परचेज कर लिया तो इम्यून प्रॉपर्टी परचेस करी बेटा आपने आपने जो उसमें क्रॉप उगी हुई है उसे बोला कि ये काट के मेरे को बेचेगा तू तो वो क्या है गुड्स है बेटा हा है ना भाई कोई खास बात चलिए तो गुड्स मीन्स बोलो गुड्स मीन्स देखो मैं आगे तब तक, तक, तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आपके दिल तक एक वर्ड पहुंच जाए बेटा अभी तो हमने पढ़ा है अब दिल में उतारूंगा, तो मजा आएगा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा एवरी काइंड ऑफ सर क्या नाम ये थोड़ा सा बेटा ये पिलर है ना बेटा थोड़ा शिफ्ट करना इधर पिलर को सर शिफ्ट तो कर दूंगा बिल्डिंग टूट जाए मेरे को बोलना पता आप तो सर दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा हा है ना जो बिना टूटे फूटे शिफ्ट हो सकती है वो इमोबल प्रॉपर्टी पर जिसको शिफ्ट करने पे वो टूट जाए डैमेज हो जाए मटेरियल डैमेज हो जाए बेटा मेजर उसमें डैमेज होने के चांस है तो वो क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी हाँ ये स्विच बोर्ड जो है ना बेटा ये स्विच बोर्ड ये मूव कर सकते हो इसको खोल के स्विच को मूव कर सकते हो हाँ है ना भाई क्लियर ये क्या है मोवेबल है बेटा हाँ है ना भाई समझे मेरी बात बच्चों आप ठीक है सर तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मोवेबल प्रॉपर्टी इट एक्सक्लूड्स मनी एंड वो तो लॉजिकली गुड्स होना भी जी वना में जी बेटा वरना शेयर बेस में जीस लग जाता बेटा है हाँ ना भाई सर

सेक्शन टू क्लोज वन जीरो टू ऑफ दी सी जी शेख बोलता है क्या सर्विस क्या 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 जो गुड्स नहीं वो सर्विस है ठीक है सर अच्छा इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी कॉमन लिखा है दोनों के लिए इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी जैसे मैंने आपको मनी लेंड किया लोन दिया बेटा

ट कंसिडरेशन इज चार्ज बेटा फॉरन एक्सेंस ब्रोकर होता है ना भाई ये अपने लिए ये, ये क्या करते कमीशन चार्ज करते बेटा क्या चार्ज करते बच्चो दट कमीशन इज अपरेट कंसिडरेशन ठीक है सप्लाई ऑफ सर्विस ठीक है बेटा चलिए इट इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज देखो सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस नहीं है और जो सिक्योरिटीज का ब्रोकर है बेटा मोतीलाल मोतीलाल ओसवाल ओसवाल इसके थ्रू आप शेयर खरीद रहे हो बेच रहे हो तो ये जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं ये ब्रोकरेज का मोड इज सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर जीएसटी लगेगा शेयर्स बेचने पे जीएसटी नहीं बेटा हा है ना भाई ठीक सर तो सर सर्विस मींस अब इसको वापस दिल तो मैं ठीक है सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स इट एक्सक्लूड्स मनी और सिक्योरिटीज मनी और सिक्योरिटी गुड्स है ना सर्विस है क्लियर इट इंक्लूड्स एनी एक्टिविटीज इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी कन्वर्जन ऑफ मनी इन टू एनी करेंसी डिनोमिनेशन फॉर्म टू अनदर बेटा ना भाई और फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज कोई खास बात चल मेन बात क्या है अच्छा इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी कन्वर्जन ऑफ मनी फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी तो ठीक है कुछ एग्जांपल कुछ पॉइंट लिखे जिसमें डिस्प्यूट है तो बोल दिया ये भी सप्लाई सर्विस है बेटा मेन बात क्या है मेन बात क्या बोलो सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स अब पूरा देन में इधर बेटा सर बुक्स में बिल्कुल नहीं पूरा इधर ध्यान गुड्स मींस ऐसे 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 में बोलूंगा नहीं बेटा पूरा दिमाग खराब होना चाहिए बेटा पूरा ओके कुछ भी नहीं बचना चाहिए बेटा गुड्स मीन्स गुड्स 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 मींस एवरी काइंड ऑफ मोवल प्रॉपर्टी इट एक्सक्लूडेड इन बात क्या है एवरी काइंड ऑफ मोवल प्रॉपर्टी सर इज कोल्ड गुड्स गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मोवल प्रोपर्टी सर्विस मीन्स गुड्स नहीं हुआ सर्विस है प्रत्यूष क्या बता नाम प्रत्यूष ये पिलर शिफ्ट करना बेटा ये गुड्स है क्या ये बिल्डिंग गुड्स है क्या तो क्या है ये एक मिनट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सर और जो गुड्स नहीं हो क्या है मैंने बिल्डिंग आपको बेची है क्या बेचा मैंने आपको गुड्स बेचा है जो गुड्स नहीं वो क्या है अरे बाबा दो मिनट चीज को समझिए बेटा सर इतनी एनर्जी लगाई इतना टाइम आपके लिए दिया है बेटा कोई ना कोई बात होगी बेटा यार मतलब अगर किसने बिल्डिंग बेचा है लग गए क्योंकि वो भी सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है पर आप मुझे बताओ जीएसटी में टैक्सेस जो मर्ज हुए कौन से हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्साइज वेट सर्विस टैक्स बेटा अरे मैंने बिल्डिंग बनाई नहीं आपके लिए बनी बनी बिल्डिंग बेच रहा हूं मैं तो उसकी बात कर रहा हूं आपसे बेटा क्या उस पर लगना चाहिए जीएसटी बेटा आवाज नहीं आ रही सर पर टेक्निकली बात करो सर्विस के स्कोप में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों टेक्निकली बात करो सर्विस के स्कोप में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों आवाज यारी सर पर क्या लगना चाहिए जीएसटी सर इसीलिए शेड्यूल थ्री का पेरा नंबर फाइव आया और बोल दिया क्या सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर ओ मालिक दो मिनट क्या हुआ सर मैं चाहता डायरेक्ट फोल्डर था क्या पेरा नंबर फाइव क्या है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग अगर आपने कोई बिल्डिंग बेची कोई लैंड बेची तो न सप्लाई गुड्स न सप्लाई सर्विस कोई जीएसटी नहीं लगता आप भी बोलते हाँ सर ओम स्वाहा नहीं लगेगा दो मिनट पर सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि सर अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कूप में आ रहा होता तो ही तो शेड्यूल थ्री में डालेंगे शेड्यूल में क्यों डालेंगे बेटा कि नहीं 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 इसको जीएसटी नहीं लगाना है मतलब सप्लाई के स्कोप में आ रहा होगा तभी तो जीएसटी के लिए बोला है शेड्यूल थ्री में कि नहीं इस जीएसटी मत लगाना क्योंकि सर सेल ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस की डेफिनेशन में आ रही थी इसलिए बोला नहीं 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 इट इज नीधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अब आप कहेंगे सर जब जीएसटी लगाना ही नहीं था तो सर्विस की डेफिनेशन डाला ही डालेगी सर छो ना ये यार ये चीज मालिक जब जीएसटी लगाना ही नहीं था सर जब प्यार करना ही नहीं था तो आई लव क्यों बोला हा है ना सर अरे ऐसे नो क्योंकि सर सेवेंटी फ्लैट पे जीएसटी लगाना था किस पे सेवेंटी फ्लेट्स पर जीएसटी लगाना था इसलिए कुछ याद ना सेवेंटी फ्लैट

वो बोला हा 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 ये सो के सो फ्लेट क्या है सप्लाई सर्विस है तीस को छोड़ के और तीस को छोड़ के मतलब यहां पे लिख दिया क्या सर सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्या लिखा बेटा सब्जेक्ट टू पेरा फाइव क्लोज बी ऑफ शेड्यूल नंबर टू शेड्यूल टू पेरा फाइव क्लोज बी सर एक्सेप्ट एक्सेप्टेर दी एंटायर कन्सिडेशन इज बिफोर इशु ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन इज अर्लियर याद आया बेटा आपको पॉइंट एक एक समझ में आया बेटा आपको ये अरे यस नो तो सेवेंटी फ्लैट छोड़ देना सेवेंटी फ्लैट छोड़ देना बाकी कोई भी लैंड बेच रहे हो कोई भी बिल्डिंग बेच रहे हो तो कहां कवर है शेड्यूल नंबर थ्री में कवर है इज सप्लाई सप्लाई ऑफ ऑफ गुड्स सर्विस उस उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा अरे हाँ है ना ये देखिए बेटा आप जब मैंने आपके लिए लिखा था यहाँ पे बेटा आज जाएगा ना कंस्ट्रक्शन सर्विस बोला बेटा ये रहा थर्टी फ्लैट बेचे बेटा आपने कितने थर्टी

सर अल्टीमेटली है तो फ्लैट बना के बेच रहा हूं ना यार वे। तो देश की जनता ऐसी है बोलती हम इस पे भी जीएसटी नहीं पे करेंगे इसलिए तो सारी की सारी को सर्विस बाकी सारी सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस भारत माता की जय आया होगा मजा बेटा आपको दिल तक बात पहुंची क्या बेटा देखिए सर हे तो ये क्या इतना सा लाइन बेटा आप समझिए बेटा बात को पर पूरा इंडस्ट्री रही है, हाँ है ना क्लियर शायद बात आपको पहुंच गई बेटा पूरी क्लियर मैंने आपको समझाने के लिखा भी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस।, सर्विस पर लेन और बिल्डिंग बेचा है अगर आपने ना भाई आया मजा बेटा क्लियर ओके सर गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया उसका इम्पेक्ट समझ में आया कि नहीं आया ये उस टाइम पढ़ता ना बेटा वो वो आज जो भावना आपके दिल में देना बहुत जरूरी बेटा ठीक है केवल पढ़ना जरूरी नहीं है सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी बेटा क्लियर आइए सरकार एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स इंक्लूड्स आवाज नहीं आ रही गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल Claims. क्या पढ़ा था कि हमने definition बेटा 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 का कोई example बेटा? Dators, bills of exchange. ना भाई इधर ध्यान ये भी goods है बेटा. Sir, आपने किसी को डेटर्स बेच दिए बेटा गुड्स बेचा है ये जाएगा? पहली बात तो आप अटक गए कहाँ पे सर डेटर्स कैसे बेचते हैं सर राइट्स बेच सकते हैं क्या डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने का राइट बेच सकते हो क्या किसी को बेटा हाँ वेरी गुड यू आर स्मार्ट वेरी गुड सरफेसी एक्ट बताओ नाम सुना आपने अरे यार सरफेसी एक्ट का नाम सुना आपने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। गुड यार। सर सुनना। इसमें होती बेटा। पढ़ा आपने कहीं? गुड यार बहुत एक एक अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा अच्छे से <coughs> मान लो कोई बैंक है

बॉम्बे में कंपनी है ये मुंबई बेंड्रा में थी पहले मैंने किया पहले सर सुना एसेक इंडिया लिमिटेड मालिक ली कंपनी है ये क्या करती है इस तरह के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है बेटा हा है ना अब ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया ये सौ करोड़ के एनपी अकाउंट जो आईसी बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट में जीरो वैल्यू पे कितने वैल्यू पे बेटा जीरो सर इसको सेवन करोड़ में परचेस कर लिया कितने बेटा कर सात करोड़ में परचेस कर लिया क्या परचेज किया लोन अकाउंट एनपीज हा है ना सर जिसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो रिकवरी करने वाला रिजल्ट आर एक्शनेबल क्लेम्स क्या है ये आवाज नहीं रही क्या है मलिक एक्शनेबल क्लेम्स किसने परचेज किया एसरेक इंडिया लिमिटेड ने किससे परचेज किया बेचा किसने आईसी बैंक ने क्या बेचा है गुड्स बेच दिया बेटा क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए एक्चुअली क्या गुड्स है क्या यार यही इसलिए शेड्यूल थ्री में डाल दिया पेरा नंबर सिक्स और बोल दिया क्या

लॉटरी और हाय ना कसीनोज ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जिसको अगर खेलोगे तो जुआ खेलोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा तो सर ध्यान देना जब जीएसटी नहीं था उससे पहले जो दूसरे लोग थे लॉटरी बेटिंग गेमलिंग वगैरह पे सर पहले स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगते थे बेटा एंटरटेनमेंट टैक्स वो भी मार जुआ, जुआ जीएसटी में <coughs> क्लियर तो टू तो ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स

गए चिप्स लिए बेटा कौन से वो नहीं बेटा क्लियर ट्वेंटी जो आप पैसा दे रहे हो उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा आपका हा भाई तो इन स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम को जीएसटी केस को मिलाने के लिए क्या किया गुड केस को मिले गए और फिर सारे एक्सटर्नल क्लेम को निदर सप्लाई गुड्स नोर सप्लाई सर्विस जैसे सात करोड़ का जो मैंने आपको बताया इंडिया लिमिटेड ने जो परचेज किया उस पे जीएसटी नहीं लगेगा अभी नहीं एग्जाम्पल भी दे रखा बेटा इलस्ट्रेशन फॉर्म में बेटा आपको क्लियर डन ये पैरा नंबर 6 भी खत्म होता है अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया क्लियर ये सर्कुलर जो दे रखे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए बेटा अच्छा एक ये सर्कुलर छोटा सा पेंडिंग है 1 मिनट का भी नहीं है सर बता रहा हूं 1 मिनट अच्छा टाइम हो गया क्या ठीक है सर कभी कभी होता है ऐसा लाइफ में एक मिनट सर मान लो मैंने कोई लैंड परचेज करी जमीन अब जो लैंड मैंने परचेस करी है वो लेवल लैंड ले, नहीं थी बेटा वो क्या एकदम रॉ लैंड थी बेटा जिसपे कई सारे यू नो प्लांट उगे हुए थे जो काम के नहीं है छोटे छोटे क्लियर घास फूस उगी हुई थी वो लैंड भी लेवल नहीं थी बेटा उबड़ खाबड़ थी बेटा हाँ ना होता है ना ऐसा क्लियर जहां पे आप प्रॉपरली चल भी नहीं पाओगे वो मैंने परचेस करी बेटा अब अपन ने क्या किया उस लैंड का एकदम लेवलिंग करा दिया शानदार वो जेसीबी वगैरह होती ना बेटा जेसीबी वगैरह घुमवाई बुलडोजर एकदम शानदार सर मैदान बना दिया एकदम शानदार वाला क्लियर सर उसमें ड्रेनेज लाइन डलवा दी बेटा हा है ना क्लियर प्रॉपर एकदम लैंड एक करोड़ में लैंड खरीदी थी थोड़ा दस लाख का काम कराया बेटा उस पर अब दो करोड़ में लैंड बेच दी बेटा मैंने अब दो करोड़ में नहीं क्या बेचा बेटा दो करोड़ में क्या बेचा है लैंड तो डेवलप करा के बेचो या विदाउट डेवलपिंग बेचो कोई फर्क पड़ता है क्या बेचा क्या 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 बेचा है है और और लैंड लैंड में नो जीएसटी क्लियर क्लियर ये तो सर्कुलर था और क्या बेटा Clear? कि अगर मैंने कोई को लेवलिंग करा के ड्रेनेज लाइन लगवा के फिर बेची है तो क्या हो गया वो भी है तो लैंड ना यार और लैंड बेचने में कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ हमारे कृष्णा भाई ने वो लेवलिंग का काम किया था बेटा क्लियर इसने वहां पे लैंड को डेवलपिंग का काम किया था बेटा

ठीक है क्लियर एंड संडे के टाइमिंग में आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, दूंगा बेटा कि संडे को किस टाइम पे टाइम आपके क्लास होगी बेटा ओके थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे माहौल जब बता शानदार मस्त तो होके पढ़िए बेटा थैंक यू